हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और दोस्त, मैं आज बहुत मस्त हूँ क्योंकि आज मैं फ्लाइट में सफ़र करने वाला हूँ, और यानी कर रहा हूँ, और बेंगलुरु से गुवाहाटी तक जा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख रहा है, मैं अभी फ्लाइट में ऑलरेडी चल रहा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि फ्लाइट में सफ़र करने का टाइम में जो बुके मिलता है उसमें क्या क्या मिल रहता है और किसके लिए वो बुक दिया जाता है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते, देख लेते हैं वो बुक्स क्या है। हेलो दोस्तों, आप जो देख रहा है किताब है, और ऊपर में देख रहे हैं हाउ डॉट एन्जॉय शॉपिंग। एक्चुअली दोस्तों, शॉपिंग का मतलब होता है ख़रीदना। जैसे कि एक बात तो समझ में आई, तो शॉपिंग है, लेकिन दोस्तों इस ये तो फ्लाइट में है ना, तो फिर भी इस किताब में बहुत सारा चीज़ें देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको ऊपर में देख रहा है सैंड वगैरह, हेडफोन वगैरह, और जैसे कि वो घड़ी है, और इस तरह भी कुछ है। तो इस तरह का चीज़ें इस किताबें में है दोस्तों। एक्चुअली बात करो तो जैसे चश्मा भी है, और हाथ में कुछ लगाना ऐसे इस तरह का सिस्टम कुछ मतलब आपको इधर देखा रहा है, और बड़का बड़का जैसे बैग वगैरह है, बड़ा बड़ा जो बैग वगैरह है, ये सब भी है इसमें, इस किताब में। एक्चुअली दोस्तों बात करो तो इस किताब के बारे में मुझे भी इतना ये नहीं है। क्या दोस्तों, अगर मुझे एक डाउट है कि क्या फ्लाइट में भी शॉपिंग चलता है? जैसे कि ऊपर में तो लिखा हुआ है शॉपिंग है, मुझे इतना पता नहीं कि क्योंकि मैं शॉपिंग किया नहीं हूँ फ्लाइट में। अगर दोस्तों आपने किया है फ्लाइट में शॉपिंग तो मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, मुझे ही कन्फ्यूजन रहेगी। आप शॉपिंग तो लिखा है, बट फ्लाइट में कैसे शॉपिंग हो सकता है? अगर हो सके तो, अगर आप लोग आपको मालूम है तो ज़रूर मेरे कमेंट करके बताना। लेकिन मेरा ख्याल से वही लगता है दोस्तों, ये शॉपिंग का ही किताब होंगे क्योंकि ऊपर में शॉपिंग का कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं तो ज़रूर प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वो बुक किस लिए दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, और जो सेफ्टी का जो किताब है वो आपसे शेयर करते हैं दोस्तों। ये है सेफ्टी का किताब है दोस्तों। इसी दोस्तों देख रहा है बेल्ट को किस तरह से लगाना और किस तरह से कैसे क्या करना पड़ता है। एक्चुअली दोस्तों इसमें फ्लाइट में जब सफ़र करते हैं तो उस टाइम 2-3 आदमी रहता है, आपको किस तरह से सीट में बैठना, बेल्ट वगैरह लगाना, और जो ऑक्सीजन का जो ये आता है तो वो सब किस में किस तरह से लगाना है। और आपको समझ में नहीं आता है तो आप किताबें देख के, ये जो किताब है ये किताब देख के आप किस तरह का सेफ्टी वगैरह, अगर फ्लाइट का ही गिर मतलब पानी में उतरना पड़े तो किस तरह से मतलब आपको वो जो सेफ्टी वगैरह लगाना है उस तरफ का देखा मतलब इस किताब में रहता है, आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इसीलिए इस किताब को दिया जाता है। ये जो किताब है, इस किताब के बारे में मुझे समझ में आया दोस्तों, लेकिन उस किताब में मुझे यही समझ में आया कि शायद मैं शॉपिंग कर सकूँ फ्लाइट में बैठ के, बैग वगैरह, चश्मा वगैरह, यानी हाथ में कुछ लगाने वाले सब मैं मतलब शॉपिंग कर सकते, ऐसा ही कुछ मुझे लगा है दोस्तों। अगर मेरा शुद्ध गलत है तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, अगर राइट है तो जो भी तो भी बता देना दोस्तों। तो दोस्तों आपको और एक बात शेयर करने जा रहा हूँ, जैसे कि आप फ्लाइट में मतलब जैसे सीट में बैठा हुआ है, अगर आपको कुछ खाना है तो आप जैसे कि हाथ में रख के तो नहीं खाते ना, जैसे कि अगर प्लेट में खाते तो वहाँ भी एक प्लेट का सिस्टम दिया गया है। तो ये उस किस तरह से वो प्लेट है किसे ओपन करते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं लॉक है, इस लॉक को जैसे आप ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद इधर आपको प्लेट की तरह ये खुल जाएगा, और उसमें आप सामान रख के खा पी सकते हैं, पानी वानी बोतल का सब रख के उसमें आप खा सकते हैं आप। चलिए दोस्तों ओपन करते और नीचे गिरा देते हैं। जैसे कि मैं ओपन कर दिया, और देखिए ये प्लेट की तरह आ गया। जैसे कि आपका अगर चाय वगैरह पी रहा है फ्लाइट में, तो चाय वगैरह सब कुछ खाना वगैरह मिलते हैं ना, तो और पानी का बोतल वगैरह रखना है तो उसके लिए उधर आप रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान मतलब अच्छा ही है, मतलब फैसिलिटी है। और ये जो फ्लाइट का नाम जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, इस फ्लाइट का नाम है एयर एशिया, तो बहुत ही मज़ेदार फ्लाइट है। और दोस्तों बेंगलोर से गुवाहाटी आने तक 3 घंटा ही लग जाता है ज़्यादा, अगर कहीं पर अगर मतलब नॉन स्टॉप रहता है तो 3 घंटा रहता है, अगर स्टॉप रहता है तो बहुत देर हो जाता है, तो उसका हिसाब से चलता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो आप फिर से मैं उसको उठा के रख दिया, और दोस्तों चलिए एक बार अपना जो बेल्ट है, अब मैं एक बार मेरा बेल्ट को बांध लेते हैं। और जैसे कि अभी फ्लाइट मतलब ऊपर में चलने वाला है, अभी फ्लाइट अभी उड़ान मारने वाला ही है क्योंकि अभी टाइम हो चुका है बोलने लगा है। तो
तो जैसे कि अब मैं लगा रहा हूँ मेरा सीट बेल्ट को, जैसे कि देख रहा है इस तरफ से बस घुसा देना और लग जाता है। आसान, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर आप काहे में सफ़र किया है तो दोस्तों आपको पता ही होंगे, और दोस्तों आप सफ़र नहीं किया होंगे तो आपको थोड़ा देखिए, और कि आपको अगली बार जब उठे तो आपको थोड़ा मतलब ध्यान रहेगा। हाँ, मैं एक बार वीडियो में देखा था इस तरह लगाता है, जैसे कि बेल्ट को एक तरफ से खींच देना तो टाइट हो जाता है, और फिर खींचने से ऊपर खींचने से लूज हो जाता है। तो इसी तरह का बेल्ट को लगाया जाता है दोस्तों। अगर आपने सफ़र किया होंगे किसी का हज जा एक बार कमेंट में बता देना दोस्तों, आप कहाँ से कहाँ किधर तक सफ़र किया है। दोस्तों मैं तो बेंगलोर से गुवाहाटी तक ही सफ़र करती हूँ बार बार। जो भी है दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरा चैनल में अगर न्यू है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ रहना दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं बेल्ट को मैं खींच रहा हूँ, और खींच के मतलब टाइट कर रहा हूँ, और टाइट हो चुका है, और ऊपर का जो देख रहा है। तो चलिए एक बार फिर से एक बार ओपन ओपन करके देखा, तो जो ढकना है ना उसको उठाने से बस खुल जाता है, बहुत आसानी से खुल जाता है, आसानी से लग जाता है, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि मैं लगा के छोड़ दिया। और दोस्तों इसी तरह फ्लाइट में सफ़र करने के लिए आवार मतलब ये होता है, ज़्यादा ये नहीं है। और जब ये बेल्ट किस लिए लगाना है दोस्तों, एक बात बताओ फिर से। ये बेल्ट लगाने का एक ही होता है, जैसे कि जब फ्लाइट उड़ान मारता है तो उस टाइम थोड़ा झटका लगता है, थोड़ा सा।